ये है गोपाल फाड़। गोपाल गोपाल, घर में हो कि नहीं? लाला जी आइए आइए, कैसे आना हुआ? 1 साल होने वाला है और तुम अभी तक राशन का कर्ज नहीं चुकाए हो। हाँ लाला जी, कुछ दिनों से तंगी चल रहा था, लेकिन अब जल्दी ही दे दूंगा आपका पैसा। अच्छा हुआ गोपाल, तुम रास्ते में मिल गए। मैं तुम्हारे घर पे जा रहा था। क्या हुआ गोपाल, आज दूंगा कल दूंगा रोज रोज बहाना बना रहे हो? सच सच बताओ, तुम मेरा पैसा कब दोगे? 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक दिए नहीं हो तुम। मैं देवी देवताओं का कसम खाकर कहता हूँ, मैं परसों तुम्हारा पैसे दे दूंगा। याद रखना, तुम परसों मेरा पैसा दे देना। अगर तुम परसों मेरा पैसा नहीं दिए तो मैं महाराज से जाकर शिकायत करूंगा, समझे? मैं दे दूंगा। मालिक, आज गोपाल राशन का पैसा देने वाला था। पैसे दिया है? नहीं, ऐसे नहीं दिया है। और घर पे 2 बार लोग भेजा था, लेकिन खुद नहीं आया। ठीक है, देखता हूँ कैसे मेरा पैसा नहीं देता है। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम, क्यों आए हो? महाराज महाराज, मैं इस राज्य का एक छोटा सा बनिया हूँ, मुझे पे एक समस्या है। तो बताओ क्या समस्या है? महाराज, आपका विदूषक गोपाल 1 साल पहले मेरे दुकान से राशन उधार लिया था और बोलता है आज दे दूंगा कल दे दूंगा, लेकिन मेरा पैसा आज तक नहीं दिया। कुछ कीजिए महाराज। ये क्या गोपाल, तुम चारों तरफ से कर्ज क्यों ले रहे हो? क्या गोपाल, तुम्हारे कर्जदार राज्य सभा तक आ गए हैं? जी 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 जी, ये राज्य सभा है या कर्जदारों का दफ्तर है? चुप हो जाओ तुम सब। गोपाल, क्या लाला जी सच बोल रहे हैं? जी हाँ महाराज। तो इनका कर्ज तुम कब दोगे? महाराज, सच बात तो ये है, उधर राशन बहुत लाया हूँ, लेकिन एक साथ सारा पैसा नहीं दे सकता हूँ मैं, इसलिए मैं धीरे धीरे उनका पैसा चुका दूंगा। ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा 10,000 10 महीने में चुका देना होगा। आपका 10,000 नहीं, 5,000 है, 5 महीने में दूंगा। 10,000 देना है? नहीं, 5,000 है। आपस में लड़ो मत दोनों। लाला जी आपका हिसाब दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए महाराज। सच में गोपाल, तुम्हारा तो 10,000 है, कहाँ दिखाइए महाराज। ये बात झूठे है महाराज, मैं राशन लेने गया था तो सिर्फ दाल लिया हूँ, घी नहीं लिया हूँ महाराज। और ये घी का हिसाब किए है, ये तो गलत है ना? देखिए महाराज, देखिए गोपाल कितना झूठ बोलता है, बिना घी का कोई दाल खाता है महाराज। विश्वास कीजिए महाराज, मैं गरीब हूँ, रोज रोज कहाँ से घी खाऊंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ गोपाल, मुझे लगता है लाला जी सच बोल रहे हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम 10 महीने में लाला का 10,000 दोगे। जैसी आज्ञा महाराज। लाला, मैं बहुत जल्द तुमसे बदला लूंगा। एलो लाला, 1,000, तुम्हारा 10,000 पूरा हो गया। हाँ गोपाल, पूरा 10,000 हो गया। तुम्हारा कर्ज तो खत्म हुआ, पर मैं मुश्किल में पड़ गया, मुझे पैसों की जरूरत है। कर्ज मैं नहीं दे सकता हूँ गोपाल। नहीं, कौन तुमसे कर्ज मांग रहा है? मैं गन्ने के रस से गुड़ बनाया हूँ, अगर तुम खरीदोगे तो। पहले गुड़ देखूंगा फिर खरीदूंगा, समझे? ठीक है, कल आना मेरे घर। हाँ गुड़ बहुत अच्छा है,
ये लो गुड़ का कीमत। वे सुनो सब, उठाओ गुड़ और चलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? ऊपर गुड़ है और अंदर रेत है, ये क्या विश्वास नहीं हो तो जाकर देखिए। कहा चलो दिखाओ। ये देखिए, ये देखिए, देखिए। मुझे गोपाल बेवकूफ बनाया, अभी जाकर उससे पूछता हूँ। ओहो, क्यों गुस्सा हो रहे हो लाला जी? तुम जैसे घी के बिना दाल नहीं बेचते, वैसे ही मैं रेत के बगैर गुड़ नहीं बेच सकता हूँ, समझे?